राजस्थान में जल्द ही कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ने वाली है, जो 25,000 से अब 40,000 कोरोना टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का, जिन्होंने राज्यसभा की दोनों सीटों को जीतने का भी साथी में दावा किया। इसी दौरान हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने की मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत। में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं उनको 5,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की सुविधा दी जाएगी। हमारे साथ हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। सर, एक बड़ा फैसला लिया है, मानवीय संकट को देखते हुए ये फैसला लिया है सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिन संवेदनाओं के साथ, क्योंकि जैसे हालात बन गए हैं दिल्ली में और राज्यों में, टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ उतनी नहीं है जितने वहाँ पॉजिटिव केसेस है, तो जब ये महामारी की लड़ाई को पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर लड़ रही है, ऐसे में अगर जहां कैपेसिटी 25,250 पर डे हो गई हो, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील तरीके से आम आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए ये ऑफर देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए हर जगह। लेकिन सर, किन किन राज्यों को ये फैसिलिटी दी जाएगी? आपने किसी राज्य को ये पत्र लिखा है? जो भी पड़ोसी राज्य, हमने कहा 5,000 तक के टेस्ट हम पड़ोसी राज्यों के करके देंगे, इस सुविधा का जो भी लाभ उठाना चाहे वो हमारे को भेजे या केसेस सैंपल्स, हम उनका टेस्ट करके उनको देंगे। आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कल भी आपने रिव्यू मीटिंग ली, अभी फिलहाल राजस्थान में कितनी रिकवरी रेट है और क्या स्थिति है कोरोना की? राजस्थान की रिकवरी रेट कंट्री में सबसे ज्यादा है, 75.25% रिकवरी रेट है हमारी, और हमारे 12,700 के करीब पॉजिटिव केसेज आए हैं, उसमें से मोर देन 75% रिकवर हो गए हैं, और मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है, डबलिंग का डेज भी हमारा बहुत ज्यादा है, तो हमारे जो पैरामीटर हैं वो कंट्री में वेल मैनेज्ड है ये स्टेट, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी की, दूसरे राज्यों को अनुसरण करने की सलाह दी कि गहलोत साहब ने जो इनिशिएटिव लिए उसको फॉलो करना चाहिए दूसरे राज्यों को, तो कुल मिला के हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उन्होंने तारीफ की है। एक दो लोगों के पेट में दर्द हो तो उनका अपना दर्द हो सकता है, राजस्थान की जनता तो खुश है, जो कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हुआ है वो जिस ढंग से बचाया गया लोगों को, इसलिए जो हल्की राजनीति करना चाहते हैं उनकी राजनीति कोई सुनेगा नहीं, वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। सर, अनलॉक वन के बाद देखा गया कि पॉजिटिव केसेज की संख्या है वो उसमें वृद्धि हुई है, तो ऐसे में आपने डिसीजन लिया कि 21 से 30 जून तक एक कैंपेन चलाया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा? देखिए, जब अनलॉक वन हुआ है तो नेचुरली लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, कई लोग ये नहीं समझ लें कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है, हम बराबर उनके जहन में कोरोना से सावधानी बरतने का की बात प्रचारित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति के दिमाग में रहना चाहिए कि मैं मास्क लगा के रहूं, 2 गज की दूरी बना के रखूं, बार बार साबुन से हाथ धूं, भीड़ में इकट्ठा नहीं हूं, ये सावधानियां जरूरी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है और कब खत्म होगा कोई नहीं कह सकता, इसलिए ये जो संक्रमित लोग होते हैं ना, एक आदमी सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर देता है, कई कई जगह एकदम आंकड़े आ रहे हैं विस्फोटक, 100-100 आदमी एक दिन में, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपना बचाव करके रखें। छूट का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी हमारे को बचाएगी इस खतरे से, हमको सावधान रहना चाहिए। आपने कहा टेस्ट कैपेसिटी अभी 40,000 हो जाएगी, तो कौन सी मशीनें हैं वो राजस्थान में आ रही हैं? और अमेरिका से 2 मशीनें मंगाई, कोबोस 8800, वो एक मशीन 4,500 टेस्ट पर डे करेगी, तो ये 9,000 टेस्ट तो उसी दोनों मशीनों के आने से 10-5 दिन में आ जाएगी, तो आने वाले 15-20 दिन में यहाँ पे 40,000 टेस्टिंग की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर आप रणनीति बना रहे हैं, तमाम विधायक आपके साथ हैं, 113 हैं वो आपके साथ यहाँ पर हैं, क्या रणनीति कांग्रेस की? रणनीति, हम दोनों सीटें जीतेंगे, हमारे 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं, दोनों जीतेंगे। जिन लोगों ने पाप पाल के 4th उम्मीदवार खड़ा किया था ना हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, उनको आईना दिखा देंगे 19 तारीख को। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनका कहना है कि राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है कि पड़ोसी राज्य हैं उनको 5,000 टेस्ट प्रतिदिन कोरोना के कराने की सुविधा दी जाएगी, साथ ही राजस्थान में कांग्रेस दोनों सीटें राज्यसभा की जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।